शहनाज गिल जिहड़े कि अदाकार ने शहनाज गिल के पिता संतोख गिल साढ़े नाल मौजूद ने, इन्हां बीते कल एक फोन आया जिहदे विच साफ तौर उत्ते धमकी दित्ती गई है कि दिवाली नहीं चढ़न दित्ती जाएगी, दिवाली तो पहला पहला तुहानू जानों मार दिता जाएगा। कल तकरीबन 1:15 बजे एक कॉल आउंदी है, कह रहा कि असीं तुहानू पहला कई मौके दे चुके हैं, तुहानू मारनी मंशा नाल असीं तुहाडे ते हमला नहीं सी कीता, लेकिन इस बार तुहानू दिवाली नहीं वेखण दित्ती जाएगी, उस तो पहला दिवाली तो पहला पहला तुहानू मार दिता जाएगा। कभी वह गोलियां मार के मारन की गल करता, कभी वह दातर नाल मारन की गल करता, कभी वह सा गला घुट के मारन की गल करता। मैं कहा जी तू जे तू इन गल्ला करना तू इन गल्ला सामने आ के कर, वो कहिंदा जो सामने आवेंगे बस भोग ही पावे, इन गल उन्हें कही। शहनाज गिल के पिता संतोख गिल ने जिन्हों वालों कहा जा रहा कि जेकर मैं अपने आप सेफ नहीं महसूस करा कुछ समा देखा तो जे नहीं महसूस करा सेफ अपने आप तो मैं पंजाब छड़ देवगा। दो लड़के जो रैकिंग कर रहे थी साड़ी उदो मेरे को सिक्योरिटी भी सी, मेरे सिक्योरिटी वाले गनमैना ने उन्होंने शक के आधार पर घेर के उन्होंने जो पुछगिछ की तो उन्होंने को एक चोरी का बाइक नाल एक पिस्टल 6 राउंड 3 नौजवानों फड़ के पुलिस के हवाले किया, पर एक लड़के छड़ दिता गया। 25 दिसंबर वाले दिन 2021 4 फायर होंगे मेरी गाड़ी के, वह भी जंडियाला गुरु, उस भी कोई हाले तक गिरफ्तारी नहीं हुई पुलिस वालों। सैलीब्रिटी का पंजाब दे विच की हालात हुए ने पिछले दिनों आप वेख्या, सिद्धू मूसेवाले की हत्या तो बाद उन्होंने फादर साहब नूं उन्होंने मदर साहब नूं इन्नी सुरक्षा दे दी जाती है, पर मरण तो बाद सुरक्षा क्यों? यह मेरा सवाल है। जो बंदा इन्हों कह मैं दिवाली नहीं विखा दी जाएगी, यहाँ साफ सुथरी गल है, पहला 3 अटैक होंगे उस बंदा ही बनाते हैं, आप हरकत क्यों नहीं आ रहे? आप इनकी मौत तो बाद हरकत चाहवांगे। जो साढ़े गए वर्कर ज साढ़े गए प्रधान कोई अटैक की धमकी आऊगी अभी तो रौला पाना ही है। दोस्तों पंजाब का माहौल कितना कितने चिंताजनक बनता नजर आ रहा, पंजाब रोज़ ही कितना कितने फरौतियों की कॉल आ रही है, धमकिया भरे फोन आ रहे हैं, जानों मारन दी कोशिशां हो रही ने, इतों तक कि जानों मार भी दिता जा रहा, इस तरह दी खबर रोज़ ही असी टीवी चैनल उत्ते तुहाडे नाल सांझिया करदे हां। तां हुण एक होर फोन आया शहनाज गिल जिहड़े कि अदाकार ने शहनाज गिल के पिता संतोख गिल साढ़े नाल मौजूद ने, इन्हों बीते कल एक फोन आया जिहदे विच साफ तौर उत्ते धमकी दित्ती गई है कि दिवाली नहीं चढ़न दित्ती जाएगी, दिवाली तो पहला पहला तुहानू जानों मार दिता जाएगा, इस तरह की धमकी का फोन आया जिहदी रिकॉर्डिंग लगातार सोशल मीडिया उत्ते वायरल भी हो रही है, की मामला सारा? कल तकरीबन 1:15 बजे एक कॉल आउंदी आ, उहदे विच अपना नाम वह मुंडा हैप्पी दस रहा, तो कह रहा कि असीं तुहानू पहला कई मौके दे चुके हैं, तुहानू मारनी मंशा नाल असीं तुहाडे ते हमला नहीं सी कीता, लेकिन इस बार तुहानू दिवाली नहीं वेखण दित्ती जाएगी, उस तो पहला दिवाली तो पहला पहला तुहानू मार दिता जाएगा। कभी वह गोलियां मार के मारन की गल करता, कभी वह दातर नाल मारन की गल करता, कभी वह सा गला घुट के मारन की गल करता। तो इस तो पहला भी 2 महीने पहला कुछ कॉल्स आईया सी, थ्रैट आए सी, लेकिन वो मैं कोई एडा मसला सीरीयस नहीं सी लिया, कुछ मैं सोचा कि शायद कोई जानबूझ के शरारत कर रहा, क्योंकि लोग अक्सर कहिंदे आ कि शायद ये हिंदू पार्टियां दे लीडर आ ते इस करके शायद ये रौला पाउंदे आ कि सिक्योरिटियां लैण करके, इस करके वो मामला मैं भी सवाल कितना कितने कमेंटा दे विच हर एक दी जुबान दे उत्ते हुंदा कि कितने सिक्योरिटी लैण दे चक्कर दे विच नहीं इस तरह दे थ्रैट कॉल दी गलबात बनाई जा रही। तो जिहड़ा हैप्पी नाम दस्सदे पे जी, वो हैप्पी कौन है, वो बारे जानकारी हैगी तुहानू? नहीं आया तुहानू दस्सिया कि मैं वो हैप्पी हाँ जिन्हें इस वेले हमला किया? मैंने बार बार पुछन तो उन्हें नहीं दस्सिया, उन्हें यही दस्सिया कि तुहानू पता लग जाएगा कि हैप्पी कौन है, जदों तुहानू मिलांगे उदों तुहानू दस्सांगे, नाल ही तुहाडा भोग पा देंगे, इस तरह दीयां गल्लां कीतीयां। जिहड़े तुहानू दस रहे कि 2 महीने पहला थ्रैट आए सी, वो असीं 5 नंबर मैं SSP साहब अमृतसर के हाथी नाल गल करके उन्होंने वट्सअप किए, SSP साहब ने भरोसा दवाया कि मैं उन्होंने जाँच करा, 5 नंबर दिते सी, लेकिन उन्होंने बारे सानू कोई इनफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो कल ये कॉल डायरैक्ट आई मैं रिकॉर्ड कर ली। किहड़ी जगह ते उस वक्त मौजूद सी जदों तुहानू इह कॉल आई है? मैं ब्यास तो तरन तारण साहब जाना सी, साडे राष्ट्रीय प्रधान है श्री पंकज शर्मा जी, असी मिलना सी तरन तारण SSP साहब नू, ये मेरी वेट कर रहे सी, उदों मैं जंडियाले लागे पहुंचिया सी जदों कॉल आई, रस्ते दे विच सी। हाँ जी, अच्छा जिस तरीके नाल तुसीं दस्स रहे हो कि कॉल आई है हैप्पी दस्या जा रहा, दस्या जा रहा कि जदों मैं पहला हमला किया सी उदों बच गए, तो वह किहड़े हमले की गल करदा? देखो एक हमला होया सी 2019 दे विच, एक हमला होया सी 2021 दे विच, एक वीच होया सी जिहड़ा गोलियां चलण वाला,
वो एक 19 होया सी, एक 21 होया सी। 21 दे विच एक ते असी दो लड़के जो रैकिंग कर रहे सी साडी, उदों मेरे को सिक्योरिटी भी सी, मेरे सिक्योरिटी वालिया गनमैना ने उन्होंने शक के आधार पर घेर के उन्हों की जो पुछगिछ की तो उन्होंने को एक चोरी का बाइक बाइक भी चोरी दी सी, नाल एक पिस्टल 6 राउंड तुहानू पता ही होएगा पिछले जरिए मीडिया से असी दस्या सी, ते उदों में असी 3 नौजवानों फड़ के पुलिस के हवाले किया मेरे सिक्योरिटी गार्ड वालों गनमैना वालों, पर उदे विच्चों भी एक लड़के नू छड़ दिता गया सी। बाद दे विच 25 दसंबर वाले दिन 2021 नू 4 फायर होंदे मेरी गड्डी दे, वह भी जंडियाला गुरु, उदे विच भी कोई हाले तक गिरफ्तारी नहीं हुई पुलिस वालों। कारण की समझते कि पुलिस क्यों गिरफ्तारी नहीं करती पी, पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती पी, क्यों इमीजिएटली एक्शन लिता जा रहा पुलिस? शायद पुलिस पंजाब पुलिस जिहड़े आ हिंदू लीडरां नू शायद कोई इन्ना नहीं लै रहे, इन्हों सुरक्षित नहीं कर रहे कि पता नहीं ये जानबूझ के किया जा रहा कि क्यों, क्योंकि मैं 2017 तो हिंदू पार्टी का लीडर हाँ, तो असी समाज सेवक काम करते हैं, शायद ये किसी को रास नहीं आ रहा। कारण की समझते क्यों हिंदू लीडर जिहड़े ने उन्हां दी हैल्प करने वास्ते पुलिस क्यों नहीं गांह वधदी, क्योंकि पुलिस तो एक पासे जे कहती है तो लॉ एंड ऑर्डर नूं पूरा स्थिति दे विच रखिया जाएगा, किसी नूं किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पेगा, पुलिस दावा करती है, तो असी हिंदू या फिर सिख या फिर आपां ये क्यों लैके आ रहे? ये बारे तुहानूं 2 मिनट लई साडे प्रधान साहब। देखो जी, कितें ना कितें सरकारां दीआं गलतियां, लॉ एंड ऑर्डर हुंदा सरकारां दे हत्थ, क्योंकि जो तुम देखा मंत्रालय जो गृह मंत्रालय है वह हमेशा पंजाब सरकार के हाथ हों, तो DGP साहब जोड़े भी लाने इन के अंदर ही हों सारा कुछ, इन्हों कोई ना कोई हुक्म होंगे होने उत्तों कि हिंदू समाज दल नहीं सुननी है। साफ तौर पर गल कही जी भी देखो साड़ी पार्टी के राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाल एक सैलीब्रिटी के पिता भी ने, तो सैलीब्रिटी का पंजाब की हालात हुए हैं पिछले दिनों आप वेख्या, सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद उन्होंने फादर साहब नूं उन्होंने मदर साहब नूं इन्नी सुरक्षा दे दी जाती है, पर मरण तो बाद सुरक्षा क्यों? ये मेरा सवाल है, मरण तो बाद आप जागते क्यों हाँ? आप तो पहले जागीए, जो बंदा इन्हों कहता मैं दिवाली नहीं विखा दी जाएगी, यहाँ साफ सुथरी गल है, पहला 3 अटैक होंगे आ पुलिस में, यह बंदा भी फड़ाते हैं, आप हरकत क्यों नहीं आ रहे? आप इन्हों की मौत तो बाद हरकत चाहवा तो फिर हिंदू जथेबंदियां अपना पूरा रोस भी देनगियां, तो पंजाब के हालात भी खराब हो गए, जो फिर पंजाब के हालात खराब होंगे फिर ये सानू घर च नज़रबंद करते हैं, तो फिर असी तो रोना ही हाँ, जो साढ़े कहे वर्कर या साढ़े कहे प्रधान कोई अटैक की धमकी आऊगी अं तो रौला पाना ही हाँ, तो फिर गल करते हिंदू समाज के लोग रौला पाते, सुरक्षा चाहिए आ। देखो सुरक्षा भी उस बंदे नूं जरूरत है जिहड़ा बंदा समाज का काम करता, जिहड़ा बंदा घर च बैठ ते बह के जां राजनीतिक वोटां दीआं गल्लां करता, उन्हां नूं सुरक्षा की जरूरत नहीं है। कुछ तस्वीरां इस तरह दीआं सामने आईआं, कुछ कवरेज इस तरह की सामने आई है जिहदे विच फेक तरीके दे नाल दस्सिया जांदा कि साडे ते हमला होया, सानूं धमकियां लगाईआं, लगदा कि उहदा परिणाम जिहड़ा सानूं भी भुगतना पै रिहा। बिल्कुल सही गल है, देखो कई लीडर करदे आ, इन भी हिंदुआं च ही हैगे आ, होर भी जथेबंदियां च लीडर हैगे आ जिहड़े आपां नूं फेक धमकियां फेक कॉलां जिहदे विच कई थ्रैट बना लैंदे आपो अपने, मैं मंनदा हां ठीक है, पर इक्को नज़र नाल सारे ना वेख्या जाए, जिस बंदे नूं जरूरत है उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए आ, पूरा अपना वेरीफाई करके देन, सानू कोई इतराज नहीं है, साडी जिहड़ी पार्टी शिवसेना राष्ट्रीय भगवा यह कभी भी सुरक्षा की मांग नहीं करती जिन तक जरूरत ना हो। देखो असी समाज के हित का काम करते, गऊ माता रक्षा का काम करते हैं, गऊ तस्कर फड़ते हैं, साढ़े अं 9 परचे करा चुके हैं अभी तक, तो पिछले हफ्ते भी असी 295 का परचा कराया। देखो कुछ लोगों को जिहड़े भारत देश विरोधी गतिविधियां करते उन्होंने लोगों को यह चीज़ा पसंद नहीं आउंदियां, क्योंकि असी देश हक की गल करते हैं, पंजाब हक की गल करते, इन्होंने लोगों को यह चीज़ा पसंद नहीं आउंदियां। जिस तरीके नाल तुसीं दस्सदे पे जे कि मैनूं धमकी आई, मैं हैप्पी बोलदा वां, जिस तरह पहला मैं कीता सी उदों बच गए सी, हुण जान नहीं बचेगी, इस तरह की गल जिहड़ी कीती आ, यह सारियां गल्लां करन तों बाद, इन्ना लंबा समां गल करन तों बाद तुहानूं थोड़ा जिहा महसूस होया कि इह उह बंदा वा जां फिर इस तरह उहदी पहचान तुहाडे दिमाग दे विच आ गई होवे? असल दे विच ना, देखो असी कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि मैं काफ़ी सोचा असी अपने यारां दोस्तां तों भी ये आवाज पछाणन की कोशिश की, पर बंदा पछाण च नहीं आया काफ़ी असी। अच्छा, उन्हें किया की सी रिकॉर्डिंग दे विच, की उन्हें किया वा, किस तरीके दे नाल मैं आऊँगा, मैं क्या एक रिकॉर्डिंग में जो सुनी उहदे विच इह भी कहिंदा कि मैं घर आके मारांगा, इस तरह की गल भी कही है, तो की होर उन्हें क्या साझी करो? यही गल उन्हें कही, कभी वह कहना गोलियां मार के मारूंगा, कभी वह कहना दातर ना टुकना, कभी वह कहना मैं गल घुट के कोई इस तरह दी काफ़ी उन्हें गल्ला कीतियां, क्योंकि मेरी तो सुन नहीं रहा, अपनी सुना रहा। अच्छा, जिस तरह तुम कह रहे कि पुलिस मदद करने वास्ते अगाह नहीं वधदी पी, हालांकि तुम पुलिस को पहुंचे जे, पुलिस मदद करने वास्ते अगाह नहीं वधदी पी, तुम घरों बाहर आए जी, धड़कू हो रहा दिल नूं कि यार पता नहीं की बन जाना, विचों जे 2% 1% भी सच्चाई हो कुछ भी हो सकता? तुसी यकीन मनो, अज देखो डरदे ते असी है नहीं, क्योंकि मौत एक दिन सारिया नूं आनी है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी असी अज अपनी गड्डी नहीं लैके आए, गड्डी होर लैके आए अज,
ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਸ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ SSP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੈਸਟ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜਤੀ ਸੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਦੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਹਨੇ ਆ ਅਗਰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਨਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਸੇਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਝ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਥਰੈਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਗਨਮੈਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ